कैसे आप सभी? Hope you all are doing fairly and ये सभी ने लास्ट वीक जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर पहले चेक कीजिए, बिकॉज सारी वीडियोस इंटर रिलेटेड है। हम सेम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और सेम टॉपिक। फाइन, यस। सो आई एम राधा, वेलकम यू ऑल अगेन इन ऑन माय चैनल। एंड यस, आज हम क्या करने वाले, लाइक लास्ट एक्सरसाइज में हमने 3.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? एंड यस, और इन बिटवीन अगर देखो किसी को भी कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप कमेंट करो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को जल्दी से, फटाफट आज हम 3.5 एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे। तो लेट्स गो टू द बोर्ड। यस, हियर वी आर। एंड यस, द क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 3.5। Yes, from the pair of linear equation in the following problem, find their solutions. आपको क्या करना है, इनके solutions find out करने हैं। Some word problems है यहाँ पे, और by using any algebraic method. Mentioned है कि आपको कोई सभी algebraic method जो आपको अच्छा लगता है आप वो use कर सकते हो, ठीक है? तो ये exercise कौन सी आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, that is 3.5. चलो, so first part में क्या है, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mesh. मतलब क्या है कि एक तो मंथली जो आप जैसे हॉस्टल में रहते हो बच्चे, जब 12th कर लेते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप हॉस्टल लेते हो, तो जब आप हॉस्टल में जाते हो तो आपका एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है? और जो बाकी है एक वेरिएबल चार्ज है, वो डिपेंड किस पे करते हैं कि आप कितना खाना मेश में से ले रहे हो, नंबर ऑफ डेज। When a student A, एक स्टूडेंट है जिसका नाम A है, टेक फूड फॉर 20 डेज, 20 दिनों के लिए वो खाना ले रहा है, she has to pay 1000 as a hostel charge, और hostel charge वो कितना पे कर रहा है, 1000 rupees. Whereas, और एक स्टूडेंट B है, who take like 26 days तक वो फूड ले रहा है, और वो पे कर रहा है 1180 as a hostel charge. So, fixed charge कितना है और the cost per day कितना है, आपको ये फाइंड आउट। तो लेट स्टार्ट, क्या करेंगे हम, पहले तो लाइक इक्वेशन हमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है, लाइक एक फिक्स चार्ज की बात हो रही है और एक फूड की बात हो रही है, हम दोनों का कॉस्ट पहले लेट कर लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज पी एक्स, सपोज कर लिया है कि जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है और जो फूड का चार्ज है, फूड चार्ज पर डे का जो फूड का चार्ज है अगर वो वाई है, तो हम अकॉर्डिंग टू, जस्ट हमें क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है, जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ क्वेश्चन, नथिंग इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्लो ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो एक ए स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, कितने दिनों तक के लिए फूड ले रहा है, 20, अगर एक दिन का कॉस्ट वाई है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, 20y, राइट? अगर एक दिन का लाइक जो चार्ज है, फिक्स चार्ज तो सबका फिक्स ही है कि फिक्स चार्ज कितना है, वो एक्स है, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 20y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो कितना पे कर रहा है, 1000, राइट? तो ये बन गया हमारा इक्वेशन वन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में जो स्टूडेंट ए है, ये ए स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट ए, अब जो स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी, वो कितने दिनों के लिए रहे, 26, तो उसका फिक्स चार्ज तो सेम ही रहेगा सबके लिए, तो x प्लस 26y इज इक्वल टू व्हाट, कितना पे कर रहे हो टोटल, 1180, सो दिस इज आवर इक्वेशन टू, सिंपल। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, कोई भी अल्जेब्रिक मेथड हम यूज करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, फाइन? सो लेट्स स्टार्ट, विच मेथड यू वॉन्ट टू यूज, बताओ कौन सा मेथड हम यूज करें जो आपको इजी लगे। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x x है और मैं एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली इसको मतलब कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट? तो मैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेती हूँ, आप और अगर आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है आप उसको यूज कीजिए। सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आप मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
इक्वेशन 1, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सिंपल है। तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करी हूँ, यानी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 एंड x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, यही होता है, ये कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ क्या बचा, माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा हमारा, माइनस 180, राइट। सो y विल बी व्हाट, माइनस माइनस कैंसल्ड, 180 डिवाइड 6, लाइक 6 3 सा 18, दैट इज 30। सो y क्या था आपका, फूड पर डे, फूड कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू व्हाट, 30 रुपीज। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ चुके हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट पुट दिस वैल्यू टू द एनी ऑफ द इक्वेशन, राइट। पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, किसमें पुट करूं, चलो वन में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1। सो x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30, 20y था, इज इक्वल टू 1000, तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 3 2 6, दैट इज 600 इज इक्वल टू 1000। सो x विल बी व्हाट, 1000 माइनस 600, सो x इज इक्वल टू 400। इट मींस क्या हो गया आपका, जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज ये क्या है हमारा, 400 रुपीस। देखा आपने, लाइक कितने इजीली हमारा आंसर आ गया कि जो आपका फिक्स चार्ज है वो क्या है, 400 रुपीस, फाइन। सो दिस इज आवर आंसर, बहुत इजीली। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो ना, अगर क्वेश्चन का मतलब समझ जाते हो, हाउ टू मेड अ मेकअप लाइक इक्वेशन, सबसे टफ बच्चों को क्या लगता है, इक्वेशन बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना लिया, उसके बाद क्या मेथड, तो आपको पता ही है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग, यू हैव 3 मेथड्स ना, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, फाइन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टिंग फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। सो बेसिकली जो चीज मेंशन है, जस्ट हमें उसको क्या करना है, फॉलो कर देना है क्वेश्चन की जो फ्लो है, उसको बस हमें फॉलो करना है, नथिंग एल्स। सो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है, एक फ्रैक्शन की बात हो रही है, राइट। तो हम क्या लेंगे, लेट न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या है, x, लेट डिनोमिनेटर इज y, देन जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ क्वेश्चन, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा आपका, फर्स्ट कंडीशन इज गिवन, लाइक 1 इज एडेड फॉर इन फ्रैक्शन, क्या होता है, 1/3 बन जाता है व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। चलो भाई सबट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में से, एंड डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया है, तो ये y ही रहेगा और ये क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है, राइट। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, एंड आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x minus y is equals to 3. So this is our equation number 1. Then second, according to the second condition, what fraction बन जाता है आपका 1/4 when 8 is added to the numerator. It means क्या है, numerator में कोई change नहीं है, लेकिन आप जब y में 8 add कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है आपका, 1/4. Again just to cross multiply, तो 4x equals to y plus 8. So equation क्या बन जाएगा आपका, 4x minus y is equals to 8, simple. अब दो equation है हमारे पास, अब कोई भी हम method use करेंगे और उसको solve करेंगे, तो best क्या रहता है ना, जब भी आप देखो कि एक चीज same है, कुछ ज्यादा आपको multiply divide नहीं करना पड़ रहा, तो elimination method use करो, that is the best method. So अगर आपको इससे ज्यादा better दूसरे लगते हैं, तो आप वो use कर सकते हैं. So मैं क्या करूंगी, using elimination method मैं क्या करूंगी, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सबट्रैक्ट, सिंपल, तो चलो कर देते हैं।
first is like 3x minus y is equals to 3, and the second equation is 4x minus y is equals to. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है आपका चेंज, साइन चेंज करना मत बोलना आप, ये कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ क्या आया माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट माइनस फाइव, सो एक्स विल बी फाइव, तो ये आ गया हमारा आंसर। एक्स क्या था हमारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, राइट। चलो पुट एक्स इक्वल्स टू फाइव इन कौन सी इक्वेशन में पुट करूं, लाइक इक्वेशन वन में ही कर देते हैं। इक्वेशन वन क्या था आपका, ये रहा, सो थ्री इंटू एक्स इज व्हाट फाइव माइनस वाई इज इक्वल्स टू थ्री, सो वाई इधर चला जाएगा तो क्या होगा 15, और ये यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री डेट इज वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 12। बस हो गया हमारा, दोनों वैल्यूज आ गई, x भी आ गया हमारा और y भी आ चुका है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन इज 5/12, राइट, यही है हमारा फ्रैक्शन, तो दिस इज अवर आंसर। देखा कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया, कितना सिंपल था क्वेश्चन, बस ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, यस स्कोर्ड लाइक 40 मार्क्स इन टेस्ट, टेस्ट में उसको 40 मार्क्स मिलते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर पे आप उसको क्या मिल रहा है, एक 3 मार्क्स मिल रहे हैं, राइट, एंड अगर वो कुछ इनकरेक्ट करता है तो वो एक मार्क्स उसके कट जाते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स एंड 2 मार्क्स फॉर डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, देन यश वुड हैव स्कोर 50, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट। तो मतलब आपने देखा, आप लोग भी एग्जाम देते हो तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ नेगेटिव मार्क्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव मार्क्स होते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर, लाइक करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो क्या होता है, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो बस इसी चीज को आपको इसमें अप्लाई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। पहले हम क्या मान लेंगे, जैसे लाइक लेट करेक्ट क्वेश्चन, लाइक नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स, ठीक है, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन बी वाई, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन को हमने x माना, इनकरेक्ट को हमने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट केस में उसको 40 मार्क्स मिल रहा है, जिसमें उसने कितने किए, 3 राइट आंसर्स। अगर राइट किया, इट मींस उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 इंटू एक्स, राइट, एंड अगर टोटल मार्क्स उसको 3 इंटू एक्स मिले, और जो मार्क्स आते हैं उसी में से तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो 1 मार्क्स वो लूज कर रहा है फॉर रॉन्ग। अगर उसने वाई आंसर्स रॉन्ग किए हैं, इट मींस उसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई, यानी 1y, और टोटल मार्क्स वो कितना स्कोर कर रहा है, डेट इज 40। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, लाइक 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, फाइन। Now according to the second condition, 4 marks उसे award मिल रहा है, it means correct question is x, then total marks become 4x, minus if incorrect is y and deduction is 2 marks, so it become 2y is equals to total marks उसको कितने मिले हैं, 50, fine। चलो अब हम इसको solve कर लेते हैं, like अभी से solve करने के लिए यहाँ देखो, इसमें से एक second में इसमें से देखो दोनों में क्या आ रहा है, हमारे पास 2 common आ रहा है पूरी इक्वेशन में, तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ फुल इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 25, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब अगेन देखो y दोनों में सेम है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेती हूँ, सिंपल है, फाइन। सो एलिमिनेशन मेथड मैं यूज कर रही हूँ, और सब्ट्रैक्ट equation 2 from equation 1, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 40, हमारा इक्वेशन 1 है, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज, कैंसल्ड, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा आपके पास, दैट इज 15। इट मींस ये आ गया हमारा x इक्वल टू 15, और x क्या था हमारा नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। फाइन, आप देखो, देन अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट x equals to 15 in, कौन से इक्वेशन में पुट करें, किसी में भी पुट कर सकते हैं, लाइक इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये था हमारा, 3x क्या होगा आपका 15 minus y is equals to 40, तो क्या होगा 15 3 सा, that is 45, right, 15 3 सा 45 minus y is equals to 40, तो y क्या हो जाएगा आपका 45 minus 40 and y is equals to 5. It means incorrect question कितने थे उसमें, 5 थे, तो total question क्या हो जाएगा आपका, total number of questions ये क्या होंगे आपके 20, that is x plus y, यही होगा आपका, it means 15 plus 5, that is 20, ये आपका हो गया आंसर, टोटल क्वेश्चंस 20 थे एग्जाम टेस्ट, ठीक है, समझ में आया आपको कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। चलो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है आपका, फिफ्थ पार्ट, लाइक प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, सौ दो ए और बी दो मतलब प्लेस है और ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, दूर है। One car start from A, एक A से start होता है, another from B on the same time, if car travel in the same direction, जब भी car क्या होता है same direction में travel कर रहा है at their different speed, they met in 5 hours, 5 घंटे में वो एक दूसरे से मिलते हैं, if the travel toward each other, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे एंड वो मिलते हैं 1 घंटे में, then दोनों कारों की स्पीड क्या। अब आपको मैं ये चीज, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कहाँ से रिलेट करता है आपके साइंस से, स्पीड वाले क्वेश्चंस। क्या होता है, एक कार है, मतलब एक इस पे एक प्लेस है ए और दूसरा है बी, एक कार अगर यहाँ से, मान लो ये कार 1 है और ये कार 2, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं और वो मिलती हैं कितने घंटे में, लाइक 1 आवर, 1 घंटे बाद मिल जाती है। तो जब हम कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड क्या होता है आपका, जो स्पीड होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है आपका, सब्ट्रैक्ट और सॉरी ऐड होता है, ठीक है, सब ये क्या होता है आपका, ऐड होता है। एंड जब कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में, लाइक दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये आप साइंस का जब आप पढ़ोगे, साइंस में आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। फाइन, साइंस में आपको सर पढ़ाएंगे कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो अभी हम मैथ्स को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी के लिए बस इतना आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर लाइक फोर्थ पार्ट, हम क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल्स टू वाई। फाइन, अब देखो क्या है, अगर वो कार जो है टोटल डिस्टेंस दे रखा है कि 100 किलोमीटर अपार्ट, फाइन, एक्स, तो हमने क्या किया, दोनों की स्पीड को हमने मान लिया कि x है और y है, यस yes. तो ये दोनों हमारी क्या हो गए, स्पीड हो गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 आवर्स में वो मीट करते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, और मैंने क्या बताया आपको, देखो एक बार मैं आपको और बताती हूँ, टोटल डिस्टेंस जो बीच का दे रखा है वो क्या दे रखा है, 100 किलोमीटर। जब वो सेम डायरेक्शन में दोनों एक टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, इनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है आपका, सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखो ये भी 5 आवर तक चल रहा है, ये वाली कार भी और ये वाली कार भी, तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ऐसा ही होता है। तो अगर कार ए की स्पीड x है तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कार ए 5 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 5x, राइट, और उसके बाद जो दूसरा है वो भी कितना ट्रेवल करेगा, कार बी वो भी क्या करेगा आपका, 5y ट्रेवल करेगा, और ये जो है आपका वो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका, दैट इज 100, ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब हम इसमें से 5 कॉमन आ रहे हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस y इक्वल्स टू
100 divides 5, that is x minus y equals to 5 to the 10, 0, 20. So, this is your equation number 1. ठीक है, ये समझ में आया आपको? Similarly, second question में क्या बोल रहे हैं? 1 hour तक दोनों चलते और मिल जाते हैं एक दूसरे से. एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है. तो इस condition में क्या होता है आपका? Relative speed क्या होता है आपका? वो add हो जाता है. तो second equation क्या बनेगा आपका? X plus, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 100. तो this is your equation number 2. फाइन, अब दो इक्वेशन है. अगेन मैं कौन सा मेथड यूज करूं? मैं तो एलिमिनेशन ही यूज कर लेती हूं. एलिमिनेशन, ठीक है. एलिमिनेशन में क्या करूंगी मैं? सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ऐसा ही करती हूं. तो क्या करूंगी? 2 क्या है आपका? लाइक x माइनस y इज इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, अब देखो इसमें हम, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं. साइन चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल. ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, दैट इज माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस 80. सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? 40. सो दिस इज द स्पीड ऑफ कार B. फाइन, ये क्या है आपका? स्पीड ऑफ कार. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपली जस्ट हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में. लाइक पुट y इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 में कर देती हूँ. ठीक है, सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 20. सो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू व्हाट? 20 प्लस 40. सो x इज इक्वल्स टू 60. ये आ गया हमारा, दैट इज द स्पीड ऑफ कार ए. स्पीड ऑफ कार ए. ठीक है, कार ए की स्पीड आ गई हमारी. बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है. इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा साइंस वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा. सर क्या वीडियो देखना, वो डेफिनेटली उसको क्लियर करते हैं. वहां पे मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया. अब ये आपका हो गया क्वेश्चन, दोनों हमारे सॉल्व हो गए. नाउ लास्ट पार्ट है हमारा, और ये आपका क्या है? होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क, और ये आप सभी को सॉल्व करके मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके भेजना. ठीक है, सी क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ. क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट इन ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ एंड. देखो क्या है, लेंथ और ब्रेथ का बस कोरिलेशन है, नथिंग एल्स. एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता होता है क्या होता है? एल इनटू बी, राइट. आपने मान लो कि लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज बी. फाइन, बस अकॉर्डिंग टू द फ्लो, फ्लो आपको देखना है. मैं आपको इक्वेशन भी बना के बता देती हूँ. लाइक इफ लेंथ इज रिड्यूस, अगर लेंथ को आप रिड्यूस कर रहे हो बाय 5 एंड ब्रेथ को आप इंक्रीज कर रहे हो बाय 3, तो आपका जो एरिया आ रहा है एल इंटू बी, वो किसके आ रहा है? जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट. 9 यूनिट से यानी कि क्या हो जाएगा? L into B, L into B minus 9, ये हो जाता है. ठीक है, if you increase the things, अगर आप उसे increase कर देते हो और breadth को decrease कर देते हो, तो आपका area क्या होता है? Increase हो जाता है by 67 units. तो आपको simply क्या करना है? इसको भी same ऐसे equation बनाना है और इसको solve करना है. तो this is your homework. आपका क्या होगा? ये homework है और मुझे सभी का homework complete चाहिए. Fine. Yes. अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है इन बिटवीन, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करोगे एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना. वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ. ओके, बाय बाय, थैंक यू.